गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। दोस्तों, मैं जादूगर अमलतूर राजीव ट्रूथ ऑफ मैजिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर के आया हूँ एक जादू डांसिंग कैन, एक जड़ी जो है हवा में नाचता है। तो पहले मैं जादू दिखाऊंगा, उसके बाद इसका रहस्य आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले जादू की तरफ। दोस्तों, यदि ये जादू आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला 1000 से ज़्यादा जादू और उसका रहस्यों का खुलासा करने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशंस सबसे पहले और समय समय पर आपको मिलता रहे। तो अभी हम जादू के रहस्य की ओर चलते हैं। इस जादू के लिए जो झड़ी है वो आप खुद बना सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए पहले एक पीवीसी पाइप, इसको आप डेकोरेट कर दीजिए या पेंट करके डेकोरेट कीजिए या इस तरह से कागज़ चिपका करके डेकोरेट कीजिए। और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपको पहले देखना है। इस तरह से हाथ रख करके देख लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस जगह पर है। वो पता लगाने के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा सा हट करके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में नहीं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, इससे थोड़ा हट करके एक छोटा सा सुराख कर दीजिए। एक सुई को गर्म करके ऐसा घुसेड़ दीजिए, फर्स्ट क्लास बन जाएगा सुराख। और इसके अंदर एक धागा लगाना है। और धागा कौन सा लगाना है, फैंसी शॉप में आपको मिलेगा बिल्कुल पतला नायलॉन का रोप, जो मैं इसमें लगाया हूँ। ये आपको दूर से नज़र नहीं आएगा, थोड़ा नज़दीक करके दिखाता हूँ, अगर नज़र आता है तो ठीक है। ये सफ़ेद धागा इसमें लगाया हूँ मैं, क्योंकि आपको वीडियो के अंदर अच्छी तरह से नज़र आ जाए।
ये धागा नहीं लगाना है, काला पतला नायलॉन का धागा मिलता है उसको लगाना है ताकि वो दिखाई ना दे, बिल्कुल नज़दीक आने से ही दिखाई देगा वो, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। तो इसको इस तरह से रख देना है और उसका लेंथ आप बड़ा भी सकता है छोटा भी कर सकता है, लेकिन कम से कम इतना लेंथ तो होना चाहिए। तो इस जादू का कई मोमेंट्स है जिसमें से एक दो मोमेंट्स मैंने दिखाया था यहाँ पर, जिसमें से एक था कि ये वाला मोमेंट है। दूसरा मोमेंट मैंने दिखाया था इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर रखना है और इसको घुमा देना है इस तरह, अब बाकी मोमेंट्स जो है मेन मोमेंट्स था वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको इस तरह से उंगली में डाल दीजिए या ये बीच वाला उंगली में भी डाल सकते हैं और इसको लेकर के इसे छोड़ दीजिए। ये हो गया एक मोमेंट, हाथ इस तरह से करके भी कर सकते हैं, वो आप अपने अपने आइडिया के अनुसार करना है। और अगला मोमेंट था रोटेट का, इसको हाथ को थोड़ा इस तरह से मोमेंट देंगे तो थोड़ा तेजी से घूमेगा और हाथ को इस तरह है स्टैटिक रख करके थोड़ा सा हिलाते रहिए, थोड़ा स्लो बेशक होगा लेकिन घूमता रहेगा ये इस तरह। अभी इसको इस तरह से करने से आगे से घूमता रहेगा ये।